ये मॉडल टाउन जहाँ ख़त्म होता है वो इलाका है कोट लखपत, वहाँ के हालात इस तरह के। ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, तीन छोटे छोटे कमरों पे मुश्तमिल ये एक बिल्डिंग है जो किराए पे हासिल की गई है। जी अभी 3 बच्चे हैं मेरी क्लास में। अच्छा ये क्लास 1 है। अच्छा और सब बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये जरीना है जो यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल हैं और 5 साल के अरसे से इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं और इनके होते स्कूल ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। जैसे ये इलाका आप लोगों ने देखा थोड़ा सा मुश्किल इलाका है, लेकिन अंदर जब आते हैं तो बच्चों की आपको तरबियत में भी फ़र्क नज़र आता है और तालीम भी माशाल्लाह इनकी दूसरे स्कूल्स की ही तरह आप महसूस करेंगे कि वो बच्चे बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। जी जरीना आप यहाँ कब से हैं? मेरा नाम जरीना है और मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ा रही हूँ और जब मैं यहाँ पे आई थी तो इन बच्चों को बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैंने इन पर बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत तवज्जो से इनको पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बाकी के जो SGS या प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी बहुत बेहतर स्टडी है इनकी। और इनका अगर कंपटीशन राइटिंग के हवाले से किया जाए स्टडी के हवाले से तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ये और पढ़ते बहुत अच्छा है, राइटिंग इनकी बहुत अच्छी है। और फ़र्क तो है लेकिन मैं यहाँ पर बहुत पुरसकून हूँ कि इनको पढ़ाते हुए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन घर पर इनको तवज्जो नहीं मिलती, झुग्गियों के बच्चे हैं, इनकी माएँ कोठियों में काम करती हैं तो इसलिए मुझे इन बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह। डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर बन के कैसे इलाज करेंगे? जो मैं बारह उनको दवाई दूंगा और लोगों की रक्षा करूँगा। ये हमारी ग्रेड 3 और 2 साथ बैठे हुए हैं, इनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं लेकिन ये सब लड़कियां वो सारे प्रोफेशन इख्तियार करना चाहती हैं जो इस वक्त हमारे लड़के कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चियां हैं, इनमें से कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर में बिल्कुल तालीम नहीं है लेकिन वो यहाँ आने के बाद पोजिशन भी हासिल कर रही हैं। जैसे इस दफ़ा फर्स्ट पोजिशन आपने ली थी, आपका क्या नाम है बेटा? माफिया। खड़े होकर बताइए। माफिया ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी और अब माफिया बताएंगी कि वो बनना क्या चाहती हैं। मैं पायलट बनना चाहती हूँ और मेरा यही सपना है और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए तरक्की करूँ। माशाल्लाह शाबाश शाबाश, तालियां भैया बाप। और कौन से बच्चे ने बताया था कुछ बनना चाहता है? आप बेटा पीछे बैठे, कौन सी क्लास के? 2 में है। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा ऐसा करिए करीब आ जाइए। हाँ आप आर्मी में जाना चाहते हैं? आर्मी में जाने की कोई खास वजह? क्या अच्छा मेरे ख्वाब में भी आपने देखा क्या फौज में? शाबाश बैठ जाइए। और आप बेटा क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, पाकिस्तान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। शाबाश। यूनिसेस रुबा हुमायूं हैं और इनके ही ज़रिए से हम तक ये डोर ऑफ अवेयरनेस ये दरे आ गई जो है हम तक खुला है। और रुबा आपको ये बताएंगी कि माशरे में इस इदारे की ज़रूरत उन्होंने क्यों महसूस की, तो प्लीज़ रुबा ब्रीफली हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। डोर ऑफ अवेयरनेस असल में कोई इदारा या कोई NGO बनाने का मकसद नहीं था, हम लोग सोसाइटी में काम करना चाहते थे और ये चाहते थे कि वो बच्चे जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, जो गवर्नमेंट के फ्री स्कूल में भी नहीं जाते और झुग्गियों में सारा दिन इधर उधर गलियों में फिरते रहते हैं, हम उन बच्चों को लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे तालीम हासिल करें ताकि कल हमारा जो मुस्तकबिल है वो उसके हाथ में कोई ऐसा हुनर हो और वो पढ़ा लिखा हुनरमंद इंसान हमारे सोसाइटी में काम कर रहा हो, ना कि कोई ऐसे क्रिमिनल या कोई ऐसे लोग पैदा हों। तो इस मकसद के लिए हम लोगों ने उन बस्तियों में उन झुग्गियों में जाके उन बच्चों को पकड़ा और उनको फिर तालीम की तरफ रागब किया
और उनकी माँ के हम वोकेशनल सेंटर बनाए हुए हैं, उनकी माँ को हम सिलाई वगैरह सिखा रहे हैं और बहुत से और हुनर भी लड़कों को जो थोड़े बड़े हो चुके हैं और वो तालीम की तरफ नहीं, तो हम उन्हें सिर्फ हुनर सिखा देते हैं ताकि वो कुछ हुनर सीख के अपना रोज़गार बेहतर तरीके से कमा सकें। और हमारे साथ बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो कि लाइक माइंडेड हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं और इस कार्य खैर में हमारे साथ हैं, वो बस फाइनेंशियली हमारे साथ हैं, हम लोग आपस में बाज़ लोग टाइम भी देते हैं, तो सब लोगों का मकसद यही है कि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर तरीके से कर सकें और क्वालिटी के ऊपर काम हो उन बच्चों के ऊपर भी, और सोसाइटी का ये जो सेक्टर है इसको हम लोग झुग्गियों में और ऐसी गरीब बस्तियों में जाके वहीं भी स्कूल खोलते हैं ताकि वॉकिंग डिस्टेंस से बच्चे आएँ और उन्हें बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो मकसद हमारा यही है कि पढ़ा लिखा हुनरमंद इंसान हम इस सोसाइटी को दे सकें।